हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सब कुछ। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 14 के 10 कंफर्म कंटेस्टेंट्स के बारे में। जी हाँ, ये बिल्कुल 100% कंफर्म कंटेस्टेंट्स हैं और बिग बॉस 14 के लिए प्रोमो भी शूट हो चुका है, तो आपको इनमें से कोई ना कोई कंटेस्टेंट उसमें ज़रूर दिख जाएंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंटेस्टेंट जो है जिया मानिक। जी हाँ, गोपी बहू होने वाली है बिग बॉस 14 के अंदर। बिग बॉस 13 के अंदर भी गोपी बहू थी, जो थी देबोरीना भट्टाचार्य जी, और इस बार भी होने वाली है वो है जिया मानिक, और ये बिल्कुल कंफर्म कंटेस्टेंट है बिग बॉस 14 की। अगला नाम है वो है पवित्र पुनिया का। पवित्र पुनिया स्प्लिट्सविला में भी नजर आ चुकी है, और इसके अलावा वो नागिन 3 और बालवीर रिटर्न्स का भी पार्ट रह चुकी है, और ये भी कंफर्म कंटेस्टेंट है बिग बॉस 14 के लिए। जो कंटेस्टेंट है वो है सारा गुरपाल। शहनाज गिल और हिमांशी खुराना की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बिग बॉस के मेकर्स ने सारा गुरपाल को भी फाइनल कर दिया है, जो कि एक पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस है। अगला नाम है नैना सिंह का। नैना सिंह स्प्लिट्सविला की विनर रही हुई है, इसके अलावा वो इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार का भी पार्ट रही हुई है, और इनको जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी वो मिली थी कुमकुम भाग्य से, और ये 100% कंफर्म कंटेस्टेंट है बिग बॉस 14 की। नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट हैं वो है राहुल वैद्य। ये इंडियन आइडल सीजन 1 के फाइनलिस्ट रहे हुए थे, और ये भी कंफर्म कंटेस्टेंट है बिग बॉस 14 के। अगले कंटेस्टेंट हैं निशान सिंह मलखानी। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टीवी एक्टर हैं, और इनको आपने गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में ज़रूर देखा होगा। अगली कंटेस्टेंट है निक्की तांबोली। ये एक साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है, और ये भी फाइनल है बिग बॉस 14 के लिए। अगली एक्ट्रेस है टीना दत्ता। इनको आपने उत्तरण में ज़रूर देखा होगा, इसके अलावा वो कलर्स के ही शो खतरों के खिलाड़ी में भी नज़र आ चुकी है, और ये भी कन्फर्म है बिग बॉस 14 के लिए। नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट है वो है जासमिन भसीन। जासमिन भसीन 100% कंफर्म हो चुकी है बिग बॉस 14 के लिए। अगले कंटेस्टेंट हैं इजाज़ खान। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टीवी एक्टर हैं, और ये काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं, और ये भी फाइनल है बिग बॉस 14 के लिए। ये थे वो 10 कंटेस्टेंट जो कि बिग बॉस 14 में कन्फर्म है। इसके अलावा एक नाम और है जिनके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो बिग बॉस 14 में एंटर कर सकते हैं, वो है प्रतीक सहजपाल। प्रतीक लव स्कूल के कंटेस्टेंट रहे हुए हैं, इसके अलावा वो एस ऑफ स्पेस सीजन 1 के फर्स्ट रनर अप भी रहे हुए हैं। इनके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बिग बॉस 14 के अंदर दिख सकते हैं। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।